औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बंगाल के नगर निकाय चुनाव से एक अहम अपडेट आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं। बंगाल के नगर निकाय चुनाव में आज जिस तरह से एक रिजल्ट वहां पर क्लियर हो चुका है और वहां की कांटेक्ट संपर्क हो चुकी है अपनी जीत दर्ज करते हुए हो रही थी उसी पार्टी के उम्मीदवार भी आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के टोटल वहां पर उम्मीदवार 9 उम्मीदवार बंगाल के नगर निकाय चुनाव में जीत कर आ चुके हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो उम्मीदवार थे वहाँ पर उनको बेहतरीन कामयाबी से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है और उसी के साथ ही साथ आज बंगाल के नगर निकाय चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं, वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को और कांग्रेस के उम्मीदवारों को उन्होंने हरा कर एक नया इतिहास बंगाल में रचा है, जिसके बाद से वहां पर लोग जश्न में डूबे नजर आए। और तो आज जिस तरह से मजलिस को वहां पर कामयाबी हासिल हुई है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूं कि बंगाल के नगर निकाय चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को 9 सीटों पर धमाकेदार जीत मिल चुकी है। तो आप ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ बंगाल में जुड़े रहें और बंगाल के सरजमीन पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ दें और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।